नमस्कार दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यू चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में गंभीर रूप से जिन्हें कुष्ठ रोग हुआ है, सुनबहरी हुआ है, लेप्रोसी हुआ है, इसमें आपको कई स्टेज देखने को मिलता है। पिछले कई वीडियो में हमने लेप्रोसी के लिए हाइड्रोकोटाइल नाम का आपको हमने दवा बताया था। हाइड्रोकोटाइल काफ़ी लोग इससे लाभ ले चुके हैं, उनके बीमारी का रोकथाम हो चुका है, लेकिन बहुतों का हो सकता है कि कोई कोई दवा असर न करे। तो ज़रूरी नहीं है कि YouTube चैनल से जो भी हम आपको बात बताएं सारे लोगों को मेडिसिन पहले बार में ही सेट कर जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि GSMP क्लिनिक एंड न्यू चैनल से जो भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं, कोई भी सूचना प्राप्त करते हैं, वो काफ़ी शोध और रिसर्च करने के बाद ही आप तक पहुंचाया जाता है। पिछले कई वीडियो में हमने लेप्रोसी के लिए यानी कुष्ठ रोग पर आपको कई वीडियो हम दे चुके हैं, जो कि काफ़ी पसंद किया गया। और लेप्रोसी के मरीज को लेप्रोसी है कि नहीं है सिम्टम जानना उनके लिए आसान हुआ। सबसे पहले चीज़ है कि बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए बीमारी का पकड़ में आना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी दुनिया का बीमारी है, यदि पकड़ में आ गया डॉक्टर को, तो मानिए कि 100% आपका बीमारी ठीक होकर रहेगा। लेप्रोसी के मरीज के लिए हमने उन्हें जड़ मूल से ठीक करने के लिए आपको देख लीजिए पुराना दीमक तक खा चुका है ये पुस्तक, हमने 100 साल इसे प्राप्त कर लिया है पुस्तक ने, और बड़ी मान सम्मान के साथ आज भी हमारे क्लिनिक में रहता है। जिस तरह से बूढ़े माँ बाप भी कितने हो गए हैं आपके, लेकिन हमेशा वो आशीर्वाद आपको देते रहते हैं, आशीर्वाद आपको काम आता है। ठीक उसी तरह से ये बूढ़े ये माँ बाप ही हैं, ये पुस्तक हमारे लिए और ये रोगियों के लिए। जो भी आपको हम दवा आपको हम सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं असाध्य बीमारी पर, झंझटिया बीमारी पर, जो सरकारी दवा आप खा लिए हैं, MDT का है या ट्यूबरकुलोसिस है, फलेरिया है, कोई भी बीमारी है, जो एलोपैथ दवा प्राइवेट से भी खाए हैं या सरकारी से भी खाए हैं, और बहुत बेहतरीन तजुर्बे वाला डॉक्टर, नामी डॉक्टर आप पकड़े हुए अपने बीमारी के लिए, और आपने दिखाया, लाइन लगाया, विधिवत सारा दवा आपने खाया, उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं हुआ, तो आपको थोड़ा सा निराशा जरूर लगती है। तो हम जो भी आपको ले आपके लिए हम लेप्रोसी पर जानकारी आपको देते हैं, कुष्ठ रोग पर, हाथ पैर के उंगली को टेढ़ा जो कर देता है, सुन्न होता है चमड़ा, मोटा होता है और झंझनाहट रहता है, कमजोरी होता है, घाव बनने पर ठीक नहीं होता है, ये तमाम तरह का सिम्टम है। हमने पिछले कई वीडियो में लेप्रोसी की पहचान हमने बताया था कि जहाँ आपको सुन है वहाँ पर कलम पिन कुछ भी हिलाइए आपको मालूम नहीं चलेगा, वहाँ पर सेंसेशन नहीं रहता है, और वहाँ का त्वचा जहाँ पर सुन पड़ा हुआ है पसीना भी नहीं आएगा, पसीना वहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होता है। तो इस तरह से हम कई ग्रंथों का जो हमारे पूर्व में हमारे स्वर्गीय पिताजी जनकदेव सिंह जो द्वारा जो भी इस पर अनुभव वो दिए थे, हमने उनसे कुष्ठ रोग का इलाज करने के लिए हमने सीखा, और होम्योपैथ, एलोपैथ और आयुर्वेद में हम लोग कई तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, और सर्जरी में OT असिस्टेंट का काम भी हम कर चुके हैं बहुत पहले। तो OT असिस्टेंट में भी सर्जरी में हमने देखा कि जो भी सर्जरी होता है
उसमें 99% सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, वो दवा से ठीक हो जाएगा। लोगों को जानकारी नहीं है, मेडिसिन से बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाता है। तो बहुत सारा लेप्रोसी में हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है, इसमें बोलते हैं लोग कि ऑपरेशन करा लें सर, ऑपरेशन भूल कर भी ना कराएं, इसमें ऑपरेशन का कहीं चांस नहीं बनता है, ऑपरेशन कराएंगे और फेरे में आप पड़ सकते हैं, बीमारी अंदरूनी हुआ है, दवा खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अब रही बात कुष्ठ रोग के साथ साथ जिन्हें टीबी की बीमारी होती है, वजन जिनका काफ़ी कम होता है, भूख बिल्कुल नहीं लगता है, उनका टाइम ज़्यादा लग सकता है बीमारी को ठीक होने में, उनके लिए समय ज़्यादा लग सकता है और धैर्यपूर्वक उन्हें दवा खानी चाहिए, नियमित सेवन करनी चाहिए। और किसी भी तरह का लेप्रोसी है आपको, सुनबहरी है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर का उपयोग जरूर कीजिए, आप उसे सलाह ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980-1757-533 पर जटिल से जटिल आपका लेप्रोसी है, घाव बन गया है, नाखून गिरने लगा है, काला काला होने लगा है नाखून आपका, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई मरीजों में दवा जल्दी असर इसलिए भी नहीं करता है ताकि उनको टीबी की बीमारी होती है। हमने कई मरीजों को देखा कि जिनका दवा असर नहीं करता था होम्योपैथिक, हमने जांच कराया टीबी का, हमने उनका आधार बनाया था, वेट अंडरवेट थे, बहुत कमज़ोर वीक थे, तो उनको टीबी भी साथ साथ था। तो यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, तो यदि आपको भूख नहीं लगता है बिल्कुल ही और बहुत दुबले पतले लीन थिन हैं आप, तो आपको लेप्रोसी जब हुआ है तो साथ साथ आपको टीबी भी हो सकता है। जैसे कि हमने आपको प्रूफ के साथ आपको हम दिखा सकते हैं कि जिन्हें लेप्रोसी है उन्हें टीबी भी साथ में है। और हम टीबी की दवा जो आप खाते हैं, आप ये पल्मोनरी फेफड़े का और फेफड़े से बाहर का, हम भी आज तक समझते थे कि ये टीबी का डॉट है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी रिफामसिन है, ये टीबी की बेहतरीन दवा है, यदि ये काम नहीं करता है तो आप दूसरी दवा काम नहीं करेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, होम्योपैथिक से ट्यूबरक्लोसिस, टीबी और कुष्ठ रोग एकदम बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। टीबी की बीमारी जो है इसके साथ पेट की खराबी है, आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आप आईबीएस कहते कहते बार बार पैखाना, पेट में दर्द, पेचिस, मरोड़, ये तरह तरह का दिक्कत रहता है जिससे आपका हेल्थ नहीं बनता है और काफ़ी आप चिड़चिड़े सर्ड सोए रहते हैं, एकांत बैठे रहते हैं, कोई कोई तो सुसाइड के बारे में सोचता है, आत्महत्या करने के बारे में सोचता है लेप्रोसी की मरीज। लेकिन नए शोध रिसर्च में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपको लेप्रोसी हुआ है तो आप बिल्कुल आप हेडेक मत लीजिए, आप निश्चिंत होकर दवा खाइए और लेप्रोसी आपका निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। लेप्रोसी के मरीज कभी आत्महत्या, सुसाइड के बारे सोचे तक नहीं, बुरी बात है। जब तक आपको सांस है तब तक आपको आस है, सांस जब तक आपकी रहेगी तब तक आपको ट्रीटमेंट के बारे में सोचनी चाहिए, निराश कभी ना हो। अत्याधुनिक दवाओं के साथ, अत्याधुनिक अनुभव के साथ, पिछले कई डॉक्टरों का अनुभव, अपना अनुभव आपको लेने के बाद में बीमारी पूरी तरह से कंप्लीट ठीक हो जाता है। कई मरीजों का टेलीफोन नंबर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा विश्वास के लिए। बहुत सारे मरीज कहाँ कहाँ का इलाज कराकर ठोकर खा खा के थक हार के बैठ जाते हैं और काफ़ी निराश हो जाते हैं। ऐसे निराश रोगियों के लिए आज के वीडियो खास है और होम्योपैथिक दवा तो आपका मित्र के समान है और सच्चा मित्र आपको कभी धोखा नहीं देगा। होम्योपैथिक पर विश्वास कीजिए, आपका बीमारी 100% ठीक होगा। हमारे गुरुजी स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल प्रसाद सिंह थे, आयुर्वेद के जीएमएस थे, वो हमें काफ़ी गाइड किए और बेहतरीन उन्हें अनुभव का फ़ायदा हमें मिला था और 10 सालों तक हमने साथ में गुजारा था उनके साथ में।
और इस तरह से हमने कई डॉक्टरों से मिला, विभिन्न तरह के डॉक्टरों का अनुभव लिया, अपना अनुभव इसमें हमने दिखाया, कई तरह का हमारे पास प्रशिक्षण मिला उसके लिए, और इससे आपको बीमारी को ठीक करने में काफ़ी सहायता मिली। तो होम्योपैथिक दवा बेहतरीन है, होम्योपैथिक दवा खाइए, और आप चिंता न करें यदि आपका दवा लेट से काम करता है, नहीं भी काम करता है तो आप छोड़े नहीं, आस नहीं छोड़े, डिस्कस करें, प्रेशर बनाएं। आप जब तक प्रेशर नहीं बनाएंगे हम लोगों पर, तब तक हम लोगों का भी माइंड काम नहीं करेगा। आप बताएं कि ठीक हुआ नहीं हुआ, दवा काम किया नहीं किया, हर चीज़ आप संपर्क में रहें, निश्चित रूप से आपका थोड़ी देर में बात करते, एक मिनट के बाद। हाँ, तो आप आशा न अपना छोड़े, और ज़िंदगी का नाम आशा है, विश्वास है, दुनिया विश्वास पर अड़ी हुई है। हम आपको ईमानदारी पूर्वक बताते हैं कि जो भी हम जानकारी आपको देते हैं 100% सच्चाई के साथ देते हैं, ईमानदारी के साथ देते हैं, और प्रूफ और प्रमाण के साथ हम देते हैं कि लेप्रोसी कितना भी जटिल क्यों ना हो, होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाएगा। विश्वास करता हूँ कि कुष्ठ रोगियों में आत्मविश्वास जगेगी बीमारी को ठीक होने के प्रति। आप मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, जय भारत।